की जरूरत हो जैसे दोस्त की जरूरत। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, भाभी जी चली गई अपने मायके, जिसे आप डेली भाभी जी दही बना के देती थी लस्सी। तो अब सारा काम माता जी को करना पड़ रहा है। तो माता जी, आप सारा काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपको मेहनत करना पड़ रहा है तो आपको बुरा नहीं लग रहा है? कितना दिन किसी का भरोसा करोगे? अच्छा हाँ, माता जी देखो भाई। तो गाय माँ जी बोल रही किसी का भरोसा नहीं करो, बस अपना अच्छा। तो गाय और खाना वाना सब माता जी बनाती हैं, सुबह रोटी बनाती हैं। तो माता जी पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, एक दो दो घंटे पूजा करने में लग जाता है। तो माँ जी सुबह 5:30 बजे 6 बजे उठ जाती हैं। कितने बजे उठती हैं? 4:30 बजे। तो गाय 4:30 बजे उठती है, क्योंकि मैं सुबह उठ सो के उठता नहीं, मुझे पता नहीं रहता, मैं खुद 7 बजे सो के उठता हूँ। 4:30 बजे उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, पानी भरती हूँ, भगवान का बर्तन धोती हूँ, पूजा करती हूँ, तब खाना बनाती हूँ। तो गाइस देख लो माँ जी कितना परिश्रम करती हैं। मैं जा रहा हूँ गैरेज, मेरे बाइक का जो की है ना वो हैंडल लॉक नहीं होता है इससे, तो साथ मुझे की चेंज करवाना पड़ेगा। तो पहले एक बार मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे काम नहीं कर रहा है मेरे बाइक का हैंडल। वही से मेरा की ना बहुत पुराना हो गया है, ये देखो पूरा ख़त्म हो गया है, इससे हैंडल लॉक होता ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मुझे कहीं जाना है शादी में, अगर लॉक नहीं करवाऊँगा तो कोई चोरी कर लेगा। इससे अच्छा मैं जा रहा हूँ, देखूँगा अगर गैरेज में कहीं होगा की वाला तो करवा लूँगा। देखो हो नहीं रहा, लॉक ही नहीं हो रहा है। गाइस ये हमारे यहाँ का फेमस टिकिया है, और ये 1 रुपये में आपको थोड़ी टिक्की दिख रहा है, 1 रुपये की है, एक है, 10 खा लोगे तब काम हो जाएगा, पेट भर जाएगा। गाइस आज मेरे नए नए फ्रेंड आए हैं, दूर दूर से आए हैं। एक देखिए विवेक पांडे, ये हमारा फ्रेंड है, ये मतलब एज में हमसे छोटे हैं 5-6 साल, लेकिन देखने में बहुत बड़ा लगता है। और ये देखिए हमारा ये भी किसान है, किसान इधर मुख ले भाई, ये किसान आया मेरा भाई, सूरज रहता है। तो आज हम साथ पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे गाँव के होती है ना रेहड़ी लगती है, टिक्की की दुकान है, अभी फेमस दुकान है, बहुत पुराना दुकान है, तो हम लोग टिक्की खा रहे हैं। मैं आ गया हूँ मैकेनिक के पास, चाबी ठीक करवाने हैं बाइक में, भी देखो बना रहे हैं चाबी। गाइस देखिए मेरे चाबी का प्रोसेस शुरू हो गया है, अभी 10 मिनट में बन जाएगा, वो बना रहे हैं अंकल जी। देखिए मेरा चाबी बन गया है, अब मैकेनिक लगा के चेक कर रहे हैं, देखिए इसमें ऑयल डाल रहे हैं और लगाने की चेक करेंगे। आज मेरे गाँव में एक शादी है, लड़के की शादी है, तो मुझे शादी अटेंड करने जाना है। अभी मैं नहा धो लिया हूँ, अब मैं कपड़ा पहन के आप लोग से मिलता हूँ। मैं कपड़ा पहन के रेडी हो गया, मैंने कुर्ता पहना हुआ है, पजामा पहना हुआ है, और ब्राउन कलर का सूज है, ऊपर ये जैकेट लगा हुआ है, हाफ जैकेट है। ये हमारे सारे फ्रेंड आ गए हैं, इनसे मिली मिस्टर शुभम तिवारी, और ये देखिए खलनायक है संदीप शुक्ला। गाइस हम लोग बारात में पहुँच गए हैं, अब सब लोग खाने पीने के लिए भीड़ लगा रखे हैं। जैसे हम लोग बारात पहुँचते हैं ना, तो जहाँ पे हमारा टेंट लगा होता है लड़कों वाले की तरफ से, तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं कि आते ही फसल नाश्ता कराएंगे। देखो गोलगप्पे है, चाउमीन है, मिठाई है, दही बड़ा है और छोले हैं। तो हम लोग खाने के बाद फिर डीजे रहेगा, डीजे पे डांस करेंगे। बोला कर रही है हमारे पंडित जी है, बहुत फेमस जी पंडित जी है, और ये देखो हमारे दोस्त हैं, बड़े सप्ताह छोले खा रहे हैं, हमारे बड़े भाई जी हैं, ये बड़े पंडित जी हैं। चला गाइस अब मेरा नाश्ता करने की बारी है, तो अभी मैं फिलहाल छोले खा रहा हूँ। अभी गोलगप्पे मैंने 7-8 खाए, गोलगप्पे बहुत टेस्टी था, लेकिन जो मैंने चाउमीन खाया था चाउमीन काफ़ी स्पाइसी था, इसलिए मैं छोले टेस्ट कर रहा हूँ कि छोले कैसी है। तो छोला ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। गाय जैसे हमारे यहाँ शादी पड़ता है तो इस तरह का टेंट लगता है, खेत में लगता है, यहाँ पे होटल वगैरह बहुत कम होती है, और ये तो बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है। हमारे बचपन के फ्रेंड है राजन पांडे, साथ में हम पढ़ते थे, लेकिन राजन का लाइन अलग हो गया और मेरा लाइन अलग हो गया। राजन जो कि हमारे गाँव के प्रधान जी हैं, प्रधान हूँ ना, ये प्रधान है हमारे गाँव के, और हमारा खाना पीना हो गया है, अब डीजे लगेगी, बारात लगेगी, फिर डांस करेंगे। और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय आया शादी में, काफ़ी फ्रेंड बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो अच्छा लगा बहुत। इस रास्ता इतना खतरनाक था, इतना धूल मिट्टी से छूट रहा था कि दिख भी नहीं रहा था, अभी तो कीड़ा बहुत परेशान कर रहा था। गाइस देखिए इसमें मैं भी डांस कर रहा हूँ, हमारे सारे फ्रेंड कर रहे हैं, तो कॉपीराइट से बचने के लिए मैंने म्यूजिक को रिमूव किया। गाइस इनका ही शादी था, इन्हीं के बारात में हम लोग आए हैं, इन्होंने इनवाइट किया था पूरे गांव को, तो हम लोग आए हैं। बंद करो,
गाइस देखिए हमारे सारे फ्रेंड आ गए, बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस किया। ये लड़का है डांस में इतना तेज है कि डीजे तोड़ देता है। डीजे तो बंद करने ही जा रहा था लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ, मार पीट करके डीजे बंद हुआ। इतना खतरनाक लड़का है, सूरत का डॉन है ये, छोटा मोटा इंसान नहीं है। पर्सनालिटी देखो, इसकी हाइट देखो, अगर बहुत देर प्यास लग जाती है गाइस। ये हमारे यहाँ जब बारात आती है, जैसे टेंट बनता है, डिनर करने का सिस्टम है, यहाँ पे सब लोग डिनर करेंगे। गाइस हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, ये तो लाइन लगा है। गाइस सभी बराती लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं डिनर करने के लिए। तो गाइस देखो हमारा खाना आ गया, सारे लोग मुंबई से आया, कमा कमा के देखो सोने का चैन पहना हुआ, मोटा पैसा कमा गया है। देखिए खाने हमारे क्या है, पापड़ है, राइस है, रायता है, कचौड़ी है, और ये क्या है, नींबू है। खाने में आइटम बहुत सारा है लेकिन हम लोग ज़्यादा आइटम नहीं लिए, गर्मी बहुत, पेट खराब हो जाता है, यहाँ पे मौसम बहुत गर्म है। इतना वहाँ पे खाना खा लिए तो पेट ब्लॉग चालू, हम यहाँ पे खाना खाते बिना हो गया, आप चल रहे घर चले भाई। गाइस ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे, और ये देखिए डेकोरेट बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारे बगल में पान लगाते हैं, तो हमारे जैसे पान को शुभ माना जाता है, तो पान बहुत जरूरी होता है, रखते हैं काफी लोग पान, खाते भी हैं लोग। गाइस हमारा टेंट कितना शानदार डेकोरेट हुआ है, अभी मैं इसके अंदर चलूंगा, इसमें कुछ प्रोग्राम होता है, स्टेज शो होगा, तो उसको दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। की जरूरत हो जैसे